गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक को लेकर कहा कि मैंने पहले ही कहा था सब तय रहता है। सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया और सोनिया गांधी ही अध्यक्ष बन गई। उन्होंने कहा इस बैठक में कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जो कि पुराने कांग्रेसी हैं शंकाओं और गद्दारों की श्रेणी में आ गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कहा कि विपक्ष सोनिया से शुरू होता है और गांधी पर खत्म हो जाता है। यह हास्यास्पद है कि कांग्रेस के पुराने नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद को गद्दार बता दिया गया। यदि लोकतंत्र होता तो गुलाम शाम तक आजाद हो जाते। कांग्रेस में स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। इस बार हेडमास्टर के बेटे की जगह खुद हेडमास्टर ही क्लास में पहले स्थान पर आ गया। मैंने कल अपनी बात कही थी, रटी रटाई स्क्रिप्ट है, उतना सा सुधार हुआ है। कल मैंने कहा था कि हेडमास्टर साहब के बच्चे को ही फर्स्ट आना है, इसमें हेडमास्टर साहब खुद ही फर्स्ट हो गए। माननीय सोनिया गांधी जी ने इस्तीफे की पेशकश की, सीडब्ल्यूसी ने माननीय सोनिया जी से विचार करने को कहा, माननीय सोनिया गांधी जी ने विचार किया और माननीय सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। माननीय सोनिया जी से शुरू गांधी पर ख़त्म, ये रटी रटाई स्पष्ट थी। इसमें हास्यास्पद तो ये हुआ कि इतने पुराने कांग्रेसी कपिल सिब्बल जी और गुलाम नबी आज़ाद तक शंकाओं के गद्दारों की श्रेणी में आ गए। कांग्रेस में अगर लोकतंत्र होता तो शाम तक गुलाम आज़ाद हो जाते। पहले से स्क्रिप्टेड तय है, वो आगे की भी स्क्रिप्ट तय है, 6 महीने बाद की भी स्क्रिप्ट तय है, उसमें कुछ नहीं है। पता नहीं ऐसा कर्मकांड क्यों किया करते हैं ये। अपने खुद की पोल खोलेंगे, ग्वालियर में जाएंगे तो, क्योंकि वहाँ जो कार्यकर्ता आया है वो आप सब मीडिया के सामने भी आया है, सबके सामने वो कार्यकर्ता आया है, तो ऐसा कैसे कह सकते हो उसमें क्या पोल खोलने को बचा है। नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर एक बार फिर कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। कोरोना के मरीज पूरे देश में बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 75-80% रिकवरी रेट पहुंच गया है, लोग ठीक होकर घर आ रहे हैं। देखिए, मैं प्रारंभ से ये बात कह रहा हूँ, लगभग 4 महीने से हूँ, सवाल भी वही है और जवाब भी वही होगा कि हमें जब तक वैक्सीन नहीं आता है कोरोना के साथ में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। वैक्सीन आते ही हम सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हमारी रिकवरी रेट मध्य प्रदेश के सर्वाधिक आने वाले राज्यों में से एक है। अधिकांश लोग स्वस्थ होकर घर जाते हैं, लगभग 75-80% लोग स्वस्थ होके जा रहे हैं, बाकी के लोग एडमिट रहते हैं, तो वो साइकिल है, वो चलती रहती है, आते हैं और चले जाते हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।